फैक्ट नंबर वन, एक पाइप ड्रिल मशीन से होल कर, होल में एक स्क्रू लगाकर पाइप को काट लीजिए, फिर उस कटे पाइप में हॉट ग्लू डालकर ड्रिल मशीन को उस पाइप के अंदर डालकर आप प्लाई में अच्छे से होल कर पाएंगे। पहले की तरह प्लाई में ड्रिल मशीन आर पार नहीं होगा। फैक्ट नंबर टू, एक स्क्रू में लगे नट प्लायर से नहीं निकल रहा है तो एक प्लायर के हैंडल में एक टी को टाइट से अटैच कर लीजिए, फिर प्लायर को घुमाए, स्क्रू से नट आसानी से निकल जाएगा। फैक्ट नंबर थ्री, एक वाइन कॉर्क को ड्रिल से होल कर लीजिए और 20 से आधा काट लीजिए, फिर उस होल में एक स्क्रू लगाकर पानी से नट को टाइट कर लीजिए, फिर उस वाइन कॉर्क को ड्रिल मशीन में फिट कर वाइन कॉर्क को सैंड पेपर में स्मूथ घिस कर वाइन कॉर्क में सैंड पेपर को चिपका लीजिए, फिर आप कोई भी लोहे के पेंट या फिर जंग को अच्छे से निकाल पाओगे। हैक नंबर फोर, एक सेवटर का चेन का पास का हिस्सा निकल कर चेन नहीं लग पा रहा है तो ग्लू गन से उस जगह पे ग्लू लगा लीजिए, जिससे सेवटर का चेन आसानी से लग जाएगा। हैक नंबर फाइव, ड्रिल अ होल इन द मिडिल ऑफ अ वुड टेक अ प्लास्टिक बॉटल स्प्रिंग, प्लास्टिक इन साइड डेड होल कट लाइक विद कॉपर वायर भी बॉटल स्प्रिंग प्लास्टिक श्राउ होल इट मशीन हिट द बॉटल देन कट अलोंग The copper wire good sealing by stitching plastic bottle will happen and the wire will be current proof.